राम जी के जैसा नीच पीच परमार्थ और स्वार्थ स्वार्थ का निर्वाह करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। तो राम जी ने विचार किया कि कुशल तो बहुत पीछे उत्पन्न हुए, प्रथम पुत्र के रूप में तो किशोरी जी ने हनुमान जी को स्वीकार किया, प्रथम पुत्र के रूप में हनुमान जी को स्वीकार किया ना, लंका में सुख कह दिया किशोरी जी ने हनुमान जी को, पुत्र कह दिया, और भैया पुत्र कहती है उसको मां स्वीकार कर ले, बाप कहे हमारा बेटा, भैया कहे हमारा नहीं है तो बात अच्छी, और मैया कहे कि हमारा बेटा है तो बात पक्की। तो किशोरी जी ने हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, और जब किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया तो श्री रघुनाथ जी अब तक बड़ी मजा रख रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि जब किशोरी जी ने अपना लाला कर लिया कह दिया तो मेरे तो ये प्यारे पुत्र हो ही गए हनुमान जी को, और नहीं तो हनुमान जी को प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरी सोता सा मगन गौरी सा। इसके पहले इतने प्यार से हाथ नहीं रखा हनुमान जी के सर पे, आज क्यों रखा भाई, क्योंकि बेटा बन गया, बेटे के सर पे ऐसे हाथ कहते हैं कहते हैं। तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, भोले बाबा झूमने लगे, पार्वती जी ने कहा कहते कहते हुआ क्या, बोले हमारा हनुमान जी के रूप में अवतार लेना सफल हो गया, हम तरसते रह गए कि कभी मेरे राघव मेरे सिर पर हाथ पड़ा हमें, पर ये इतनी मर्यादा रखते हैं, भला कोई भक्त इष्ट के सिर पर हाथ कैसे रख सकता है, क्योंकि राम जी तो हमको इष्ट मानते हैं अपना, तो इष्ट के सिर पर हाथ कैसे रखेंगे, मैं तरसता ही रह गया, लेकिन आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, हनुमान जी के रूप में ये हाथ मेरे सिर पर आ गया, तो सुमिरी सो दशा मगर गौरी सा, शिवजी मगर हो गए, आज हनुमान जी के रूप में मेरा अवतार लेना सफल हो गया, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। हनुमान जी ज्येष्ठ पुत्र हैं, राम जी बोले अब बड़े को छोड़ के छोटे को राजा बनावे, उसको राजा बनावे तो अन्याय हो जाएगा, इसलिए और दूसरी बात यह है जब भाइयों के पुत्रों को अलग अलग दिया तो अपने पुत्रों में भाई के पुत्रों में भेज क्यों, ये भी एक विशेष बात, नीच पीच परमार्थ स्वार्थ उनको भी अलग, और हनुमान जी को तो सब स्वीकार्य हैं, हनुमान जी को कोई ऐसा नहीं है जो हनुमान जी को स्वीकार न करता हो, तो हनुमान जी सबके लिए स्वीकार्य हैं, इसलिए अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया, और अयोध्या का राजा का मतलब है सात द्वीप सात समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी का राजा, इसलिए भैया बड़े बड़े देवी देवता संसार में बने रहो, सबको दंडवत है सबको प्रणाम है, लेकिन राम जी ने राजा जिनको बनाया सारी धरती का एक छत्र सम्राट बनाया वे श्री हनुमान जी महाराज है। राम जी को, राम जी ने हनुमान जी का अभिषेक किया, सत द्वीप पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में अभिषेक किया, कहां किया अभिषेक, श्री अयोध्या हनुमानगढ़ी में, दर्शन किया हनुमानगढ़ी, ठीक से नहीं किया, ठीक से नहीं किया, ठीक से करोगे तो वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा हनुमान जी तो सिंहासन पर बैठे हैं स्वर्ण छत्र लगा करके, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और किशोरी जी ये पांचों पीछे खड़े हैं, देखा ये नहीं देखा, वो पीछे जो पीछे ठाकुर जी को नहीं देखा पीछे, हाँ ये बात इसलिए ठीक से नहीं दर्शन किया, बड़े बड़े स्वरूप हैं छोटे मोटे नहीं है, पूरे राम जी बड़े, राम जी भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी और श्री राम जी के बामांग में किशोरी जी, पर वहाँ हनुमान जी के यहाँ एक तो अखंड धुना चलता है, अखंड अग्नि हनुमान जी के मंदिर में रहती है, हजारों वर्ष हो गए हनुमान जी के मंदिर के भीतर की अग्नि बुझी नहीं, और दिन में हनुमान जी को बार बार धूप दिखाई जाती है जनार्दन धूप, तो पुजारी जो होते हैं उनके कपड़े भी काले हो जाते हैं, तो मंदिर तो पूरा काला है, और पीछे जो सरकार खड़े हैं वो बार बार धूप के धुआं से सरकार भी सब दिखाई नहीं पड़ते, उनकी पोशाक उसी रंग की हो जाती है, पोशाक भी रोज नहीं बदलती है, हाँ विशेष विशेष पर्व पर हनुमान जी और सरकारों का मज्जन होता है, पोशाक बदलती है, बाकी हनुमान जी तीन टाइम स्नान करते हैं धारोष्ण कच्चे दूध से, और क्या कहना हनुमान जी की सेवा तो हनुमान जी की सेवा है, ऐसी हनुमान जी की सेवा अन्यत्र कहीं होती नहीं जैसी हनुमानगढ़ी में जिस विधि से हनुमान जी की सेवा होती है, और वो बड़ी प्राचीन पद्धति है परंपरागत, हनुमान जी के मंदिर के क्या रहस्य हैं उनको या तो हनुमान जी जाने या हनुमान जी के पुजारी जाने, और ये मर्यादा है कि हनुमान जी के मंदिर के रहस्य पुजारी बाहर बोलते नहीं, बोलते ही उनका अनिष्ट हो जाएगा, हनुमान जी को चूके शपथ खानी पड़ती वहाँ इस मंदिर के भेद रहस्य बाहर नहीं बताए जाएंगे, हनुमान जी साक्षात आज भी वहाँ विराज रहे हैं, आज भी थोड़ी सी भी चूक का तत्काल दंड मिलता है, हनुमान जी के चार पुजारी होते हैं चारों व्यस्त रहते हैं, रात्रि को 2 बजे सबको जगना पड़ता है, एक जगाने वाला सेवक अलग होता है उसकी ड्यूटी है सबको जगाओ, 2 बजे रात को जाकर वो सबको जगाएगा, सब स्नान ध्यान करके हनुमान जी के यहाँ पहुँचते हैं, 1 सहस्र तुलसी दल पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, 3 बार हनुमान जी को अभिषेक होता है, हनुमान जी कच्चा नहीं पाते हैं, पहलवान कच्चा क्यों खाएं, अरबी का साग रोज उनको, हलवा रोज, रबड़ी रोज, तो निश्चित है इतना भोग लगना ही हनुमान जी को, पूरा रोज भोग लगना है, और हमारे पूज्य महाराज जी तो हनुमान जी के 2 बार पुजारी रहे जिनका उत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो महाराज जी की कृपा से महाराज जी के नाते से हनुमानगढ़ी के हनुमान जी इस बालक पर भी बहुत कृपा करते हैं, एक बार हम वहाँ गए तो अपने गुरु भाई ही पुजारी थे, तो हमने कहा भाई हम तो जितने दिन अयोध्या में रहेंगे हनुमान जी का भोग जो भोग लगता है मंदिर से वही पाएंगे, दूसरी चीज़ नहीं पाएंगे, पाया हमने, तो महाराज पक्की पक्का खाते खाते हलवा और रबड़ी और पुआ और अरबी का साग, अरबी वैसे भी फ्रेश होती है, महाराज मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, तो हमने महाराज जी से कहा कुछ करुणा धन वाले महाराज वहीं रुके थे, महाराज जी से कहा महाराज जी पेट में कुछ दर्द की शिकायत हो गई है, तो बोले तुम रोटी तो खा नहीं रहे हो, हाँ तुम तो हनुमान जी का प्रसाद ले रहे हो, तो हनुमान जी का प्रसाद तो वो पहलवान पचा सकते हैं जो कम से कम 1000 दंड बैठक रोज करें, अखाड़े में थोड़ा कुश्ती लड़ें तो हनुमान जी का पचे, और नहीं हनुमान जी जो माल पाते हैं वो सामान्य व्यक्ति को पचाने की शक्ति नहीं है, इसलिए बोलो थोड़ा पाओ, इमरती भोग इसका भी रोज भोग लगता है, नियम है किस दिन क्या भोग लगेगा, हनुमान जी का नियम है, तो श्री रघुनाथ जी खड़े हैं चारों सरकार किशोरी जी के साथ खड़े हैं और हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं, ऐसी झांकी पूरे संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है, वे हनुमान जी हैं
जिन हनुमान जी के आगे मुगल बादशाह नतमस्तक हुआ। उस जमाने में बड़े बड़े मंदिर उजाड़े गए पर हनुमान जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। बादशाह के द्वारा बहुत कीमती हीरों की माला हनुमान जी को धारण कराई गई। वो आज भी पर्व के समय हनुमान जी कंठ में धारण करते हैं हीरों की माला। मुगल बादशाह को जिन्होंने झुका दिया हो ऐसे हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत ज्यादा। इसलिए राम जी राजा नहीं है जाके, कौन है राजा धरती का। इसलिए किसी देश में कोई सरकार बने और कोई सरकार बिगड़े, राम जी ने हनुमान जी को सरकार बनाया है। इसलिए आखिरी सरकार हनुमान जी हैं और उन राजाधिराज हनुमान जी को जो राजी करके रखेगा वो दुनिया के किसी कोने में रहे उसका कुछ भी बाल बांका होने वाला नहीं है। ये हनुमान जी Love me, darling.